आने वाले कुछ दिनों में दक्षिणी और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार उत्तरी अंडमान सागर और दक्षिण अंडमान सागर के आसपास के क्षेत्रों और बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की उम्मीद है। निम्न दबाव का क्षेत्र 24 अक्टूबर तक धीरे धीरे पश्चिम मध्य और उससे सटे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। आईएमडी का कहना है कि चक्रवाती तूफान ओडिशा तट पर आने के बाद उसे पार कर पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तटों की ओर आगे बढ़ जाएगा। मौसम विभाग ने 23 अक्टूबर को इलाके में मौसम से जुड़ी कोई भी बड़ी चेतावनी जारी नहीं की है। हालांकि ओडिशा के तटीय जिलों में 24 अक्टूबर की सुबह से तूफान की वजह से बारिश होने की संभावना है। इस बीच अगले कुछ दिनों के दौरान महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए स्थितियाँ अनुकूल बनी रहेंगी। अगले दो दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, ओडिशा और बंगाल के उत्तरी खाड़ी के शेष हिस्सों और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और यनम के कुछ हिस्सों और बंगाल के मध्य खाड़ी से भी मॉनसून के वापस जाने की संभावना है। आईएमडी के भुवनेश्वर केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक उत्तरी अंडमान सागर, दक्षिण अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में बना निम्न दबाव का क्षेत्र 22 अक्टूबर के आसपास पूर्व मध्य और उससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर मध्य दबाव और 23 अक्टूबर को उच्च दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा।